5 अगस्त को हिंदुस्तान ने तीन सौ सत्तर ए को ख़त्म करके कश्मीरियों के लिए जीना और हराम कर दिया और जो आज़ादी के मतवाले अपनी जान हथेलियों पर रख के अपनी आजादों की आज़ादी की जिदोजहद कर रहे थे उनके लिए और मुश्किल पैदा कर दी और उसी दिन का इंतबाब अयोध्या में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को राम मंदिर में तब्दील करने का फैसला किया और ये मोदी सरकार ने 30 साल पहले जब अयोध्या आया तो ये बात कही और 30 साल से इन बुतों की तैयारी थी और इस बाबरी मस्जिद को मंदिर में तब्दील करने का सिलसिला जारी था और ये काम हिंदुस्तान के हर सियासतदान ने बाबरी मस्जिद पर हिंदू सियासतदान ने सियासत की लेकिन आज हिंदुस्तान एक रामनगर बन गया है आज हिंदुस्तान श्री राम के हिंदू दत्त का एक मुल्क बन गया और वो सेकुलर हिंदुस्तान जिसमें आजादी और असूल और मजहबी रवादारी की बात थी वो दम तोड़ गया है और पाकिस्तान के तमाम मुसलमान सारा आलम इस्लाम आज कश्मीरियों के साथ खड़ा है और हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ खड़ा है क्योंकि मुसलमान पे फर्ज है कि जब दूसरा मुसलमान मुसीबत में हो तो उसके साथ खड़ा हो हक की आवाज बुलंद करें और पाकिस्तान कश्मीर की आजादी के लिए और अयोध्या में बाबरी मस्जिद को राम मंदिर बनाने की पुरजोर मजम्मत करता है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कश्मीरियों के साथ खड़ा है